टाइगर थ्रीडम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और फाइनली ये फाइनल पार्ट है इस रिंग का और चौथा पार्ट है। सो आपने इससे पहले जितने भी मैंने पार्ट्स डाले हैं वो आपने ऑफ कोर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाली हुई है, तो आप प्लीज जाके वहां पे चेक कीजिए, पहले समझिए, उसके बाद ही इस पार्ट पे आइए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको अगर फाइनल पार्ट देखना है तो आपको पहले सारी चीजें समझनी पड़ेगी, ताकि हम लोगों को जो सिस्टम है रिंग्स बनाने का, तो किस तरीके से बनाएंगे वो देखेंगे। और इस फाइनल पार्ट में हम लोग सारी चीजें जो हमने नीचे रखी है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे फ्लो वगैरह करेंगे। और ऐसे ब्यूटीफुल ये जो रिंग है ये सारी बढ़िया तरीके से स्कूपिंग वगैरह और ये जो स्कूपिंग का स्टाइल है ये सब सीखेंगे, ताकि और ये स्कूपिंग क्यों चाहिए होती है वो भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर, और दूसरी वाली स्कूपिंग का स्टाइल भी हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों डोंट आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल है, कुछ भी है, सो आप ऑलवेज मतलब कभी भी आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे या कमेंट बॉक्स तो आपको ऑफकोर्स ओपन ही है। सो दोस्तों प्लीज आप मुझे बता सकते हो, कुछ भी इश्यूज रहेंगे तो भी, और कुछ समझ में नहीं आया पार्ट तो भी, और चारों में से किसी भी पार्ट के बारे में एक ही जगह पे पूछ सकते हो, नो इश्यू दोस्तों। सो लेट स्टार्ट दोस्तों वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जाके पहले तीन पार्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए और ये फोर्थ पार्ट देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया सब्सक्राइब किया तो भी जाके बेल आइकन को दबाइए। और वीडियो के एंड में कैसा लगा वीडियो जरूर आप लाइक करके मुझे बता सकते हो, और आप कमेंट भी लिख सकते हो। तो आप प्लीज डोंट हेजिटेट, जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, व्हाटएवर जो भी, आप प्लीज लिख दीजिए, ठीक है? मुझे पता है मुझे आपको अच्छा ही लगेगा। सो दोस्तों लेट स्टार्ट अवर वीडियो, राइट? तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अलग क्लियर पे डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? तो यहाँ पे तो स्टेप चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो क्या कीजिए, शेयर कमांड है यहाँ पे, शेयर, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट दबा के यहाँ पे ले लिया, और ये देखिए यहाँ पे मैंने मैच कर लिया। ओके ठीक है, अभी मैच हो जाएगा। आपको चाहिए तो मैं लेयर चेंज करता हूँ, ताकि एक ही लेयर पे करके दिखा देता हूँ मैं, देखिए मैच हो गया, ठीक है? और यहाँ पे स्टेप आ गई। अब हमें करना ये है, इसके अंदर बुलियन डिफरेंस करना है डिजाइन का, ठीक है? तो डिजाइन यहां पर है। ऑप्स एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है? और ऊपर के साइड में मूव करता हूँ, ठीक है? इन दोनों को पकड़ के बुलियन डिफरेंस मारूंगा मैं, बुलियन डिफरेंस। ओके दोस्तों, अब दोस्तों जो स्कूपिंग है ना उसको हम लोग नीचे ही करना है, हमें ये ध्यान रखिए, स्कूपिंग जो करनी है हमें नीचे ही करनी है। कभी भी याद रखिए कि हमें स्कूपिंग कहाँ तक करनी है, इसका पहले अंदाजा लगाइए। समझ लीजिए मुझे यहाँ तक करनी है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, एक बार लेंथ काउंट करनी है, तो यहां से लेके लेंथ काउंट कर ली मैंने 8 mm, राइट? इधर से 8 mm, इधर से 8 mm, ठीक है? तो हम लोग तो एक ही साइड कर लिए, अंडू कर लिया मैंने, अंडू कर लिया 8 mm, तो यहां से छोड़ दीजिए 8 mm। तो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई और इस साइड में हो गया -8 mm, ठीक है? यहां तक स्कूपिंग होगी हमारी। तो एक काम कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बाहर वाला जो है, सबसे बाहर वाला, इसका डुप्लीकेट एज ले लीजिए, बाहर वाला, ठीक है? ज्वाइन कर लिया मैंने, इधर का नहीं लिया, तो आप बोलोगे कि क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, 0.8 mm का ये ले लिया, तो थोड़ा सा देखिए मेटल परफेक्ट मैच हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कम कीजिए, 0.8 नहीं, 0.78, मतलब थोड़ा छोटा, ठीक है? देखिए ये सही है। अब एक काम कीजिए, इसके साथ में इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है? क्लोज कर, ठीक है? कर दिया, ठीक है? बाहर आ गया नहीं, अगर मैं इसको भी लेता तो ये ऑफसेट अंदर आता, तो मुझे काटना है आगे से, ठीक है? और मैं इससे मैच करके यहां से रखता हूं, ठीक है? और नीचे मूव करूंगा इसको लमसम 0.7, मतलब ये जो गेज है ना, ये जो गेज है ना, यहाँ पर से जो मेटल कटेगा तो 0.7 या 0.8 mm रहनी चाहिए, तो 0.8 लेता हूँ। तो मैंने -0.8 नीचे मूव कर दिया, ठीक
ठीक है, और मैं इसको एक्सट्रूड करता हूं नीचे की तरफ और इन दोनों को कट कर देता हूं, इन दोनों को बुलियन डिफरेंस। लेकिन उससे पहले मुझे ये आपको समझाना था ना, बताया था मैंने कि यहां तक मुझे ये आगे का नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हाइड करता हूँ, ओप्स, इसको और इसको ग्रुप किया मैंने, हाइड करता हूँ, इसको ट्रिम करके कैप करूंगा, ठीक है, यहीं तक ही होगा कैप, ठीक है। और एक चीज मुझे आपको बतानी है कि जो हम लोग स्कूप करते हैं ना कोई भी चीज, ओके, जो हम लोग स्कूप करते हैं कोई भी चीज, तो वो चीज मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, शेयर करके, हाँ, हमने जो टेढ़े वाले सरफेस से किया था, ओके, शेयर करके वापस सीधा कर दिया मैंने। ओके, जो सरफेस हमेशा ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बेंड करता हूँ, ओके दोस्त, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं काम करता हूँ, आपको दोनों तरीके से मैं ये भी रखता हूँ और ये भी रखता हूँ, ठीक है दोस्तों, दोनों रखते हैं अभी, और आपको दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग इसको काटना नहीं, हम लोगों को अभी इसको हाइड करके रखना है, अब मैं बाद में इसको करूंगा, क्यों मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको, इसका जो डायमेंशन है वो काउंट करके रख लीजिए, फोर पॉइंट फोर फाइव, गुड, ठीक है। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ, 4.45, राइट, ठीक है। अब मुझे ये इसको छोड़ के मतलब ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे, ओके दोस्तों, एक ग्रुप करके रखिए, बाद में हमें कभी भी काम आएगा ये, बाय चांस अगर कोई चेंजेस वगैरह आ गए तो, ठीक है। ये मुझे लाइन चाहिए 4.45, राइट। तो अभी क्या कीजिए, आपको इसको, आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है, एक साइड का डिलीट ही कर देता हूं मैं, ठीक है। और इसको जो है हमें बुलियन डिफरेंस करना है, सो दोस्तों यहां से हम लोगों के पास है 0.8 का, राइट, यहां से मैं प्रोजेक्ट ऑफ कर देता हूँ, मेड, एंड ये मेड, जो भी है मेड, सॉरी, पॉइंट सेवन है, राइट, तो पॉइंट सेवन ही चाहिए था हमें, कोई इशू नहीं है, पॉइंट सेवन ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोगों को, ये जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटा करना है, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अनग्रुप किया और मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ओके, और छोटा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका जो डायमेंशन है मैं आपको बता देता हूँ, 1 mm का रखा है, ठीक है, और इनको ग्रुप करके रख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें यहां से मतलब आपको राइट से आना पड़ेगा, शेडेड 4.45, राइट। तो मैं काम कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा सेंटर से, 4.45 विड्थ आ गई, और हाइट कितनी भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ, ये देख रहे हो, यहाँ पे मर्ज हो रहा है, तो यहाँ से ये जो कर्व है यहाँ मैच हो रहा है, अब लेकिन 0.8 नीचे, -0.8 नीचे, ओके। यहाँ से इसको एक्सट्रूड करके बोथ साइड, ठीक है, बुलियन डिफरेंस कर दीजिए, मतलब यहाँ और इसको, इसको बुलियन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों, ये कट गया है, ओके। इसका मिरर कर लीजिए, अभी हमें मिरर करना है, इसका भी ग्रुप कर लीजिए। अब इसको मैं बुलियन डिफरेंस भी मार देता हूँ आईडी से, बुलियन डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गई स्कूपिंग इसकी, इसको हाइड करके रख लीजिए, ओके, दैट्स ऑल। और उसके बाद में अब आते हैं हमारे डिजाइन के ऊपर, ठीक है, और इसको भी ऊपर, ये दोनों को ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और आपको मैं दिखाऊंगा करके कि क्या होता है इसके अंदर। अब मैं इसको दोनों को
फ्लो करूंगा, ठीक है, फ्लो, ओनली फ्लो, फ्लो अलोंग कर्व एक्चुअली है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो कर्व था ये, तो ये इससे मैच चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये इससे मैच चाहिए ऊपर है, तो इसको मैं ऊपर कर दिया, ठीक है, परफेक्ट मैच चाहिए इससे, तो कर दिया मैंने। इसके नीचे चाहिए, मतलब इस कर्व के नीचे चाहिए जो भी, क्योंकि इसके नीचे आएगा सर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, अब मैं सिर्फ फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है, रिजिड, नो स्ट्रेच, यस, ऑफकोर्स यस करना पड़ेगा, और ये पकड़ा मैंने और ये पकड़ा मैंने, और ये देखिए ये बन चुका है यहाँ पे हमारा, राइट, ओके, ठीक है दोस्तों। अब हमें करना ये है कि मैं आपको पहले ये जो है स्ट्रेट वाला करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मुझे फ्लो करना है, फ्लो, ओके, रिजिड यस, स्नो स्ट्रेच यस, ठीक है, सेम, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ओके। अब मैं इसको आईडी से कट मारता हूँ, इसको बाहर वाले इसको, ठीक है, और मैं इसको बुलियन डिफरेंस कर रहा हूँ इस, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से स्टेप आई है, ठीक है दोस्तों। अब मैं काम करता हूँ, अंडू करता हूँ, इसको भी अंडू करता हूँ, अंडू करता हूँ, अंडू करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लेता हूँ फ्लो, सेम वन, सेम पैरामीटर्स, अब मैं इसको भी ब्लेंड डिफरेंस, ठीक है, अब आप देखिए ब्लेंड डिफरेंस, ये देखिए, तो ये चीज रखी है, मतलब उस रिंग में है ऐसी चीज, तो आप दोनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको ये भी चाहिए तो ये तो स्ट्रेट कटेगा, नहीं तो ये कटेगा, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, राइट। तो मुझे तो ये सही लगता है, इसलिए मैं करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है। अब देखिए ये कटिंग करने के बाद में यहाँ पे मैच भी हो गया है परफेक्टली, क्योंकि 4.45 mm का था पहले से ही, तो मैंने इसी के हिसाब से काट दिया था, तो ये मैच हो गया। तो सबसे पहले तो आपने वो कर दिया है, क्योंकि तो पूरा कैलकुलेशन आपको पहले करना पड़ेगा। मिरर मार रहा हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से हमारी ये रिंग बन चुकी है। और दोस्तों ये मेरे अकॉर्डिंग और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हाफ एन आवर से ज़्यादा की रिंग, बड़ी मतलब ज़्यादा टाइम की रिंग नहीं है बनाने के लिए, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में ये ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, डोंट वरी, आपको बताने के लिए। सो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से बनाना है और कैसे बनाना है, और इसके जो चीज़ें हैं किस तरीके से काम कर रही हैं वो सब आप समझ गए होंगे। सो दोस्तों आप भी ऐसी चीज़ें कुछ बना के आप एक बार ईमेल या टेलीग्राम पे मुझे फोटोज भेज दीजिए कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, और शायद मैं ये 2-3 टुकड़ों में ये रिंग बना के आपको डाल दूँ। सो बेस्ट वे यही है कि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप बहुत लगन से प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए। बाकी आप इसका कटर वगैरह जो करना है वो आपको पता ही है, मैंने कटर बनाया, ये किया, ये ले लिया, ये कटिंग का, ये देखिए थोड़ा नीचे चाहिए हमें, ये नीचे तक ले लिया मैंने, ओके, और राइट क्लिक, और इसके बाद में इससे बुलेन डिफरेंस कटर से ये देखिए, राइट, तो ये बन गया है, ये ग्रुप करके रखूंगा मैं, ओके, और बाकी आप कुछ इश्यूज है तो आपको पता ही है कहाँ जाना है और कैसे करना है और किस तरीके से और कहाँ पे कैसे बात करनी है। तो दोस्तों घर पे रहिए, सुखी रहिए, हेल्दी रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, मतलब बहुत बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ की वजह से मिला है, लेकिन ठीक है दोस्तों, जो है वो है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, घर में बैठ के इस चीज़ को कम कर सकते हैं और हमें नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी इशू रहेगा मैं यहीं पे हूँ, आप कभी भी कॉल कर लीजिए, प्लीज़ पहले मैसेज कीजिए, अगर मैं मैसेज पे बता दूंगा तो ऑफकोर्स मैं आपका सब सॉल्व कर सकता हूँ, और ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, और बता दीजिए कि मुझे ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों से शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मुझे फोटोज भेजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।